हमारी श्रृंखला एवियन आयुर्वेदा इंटीग्रेटिंग नेचर्स हीलिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जीवन की चुनौतियों का सामना करना, पक्षी माइग्रेशन से आयुर्वेदिक अनुभव के बारे में जाना। आज हम पक्षियों के ज्ञान से आयुर्वेद क्या सीख सकता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। पक्षियों की बुद्धिमता, प्रकृति के उड़ने वालों से आयुर्वेद क्या सीख सकता है। परिचय। नमस्ते और इस रोचक वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आयुर्वेद ने पक्षियों से क्या सीखा है, इस पर बात की गई है। पक्षी सदियों से आयुर्वेद के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। वास्तव में आयुर्वेद के कई सिद्धांत प्राकृतिक दुनिया के अवलोकनों पर आधारित हैं। इस वीडियो में हम कुछ सबसे रोचक पक्षियों और उनसे आयुर्वेद ने क्या मूल्यवान सीख ली है, उनके असली संदर्भों के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक महत्वपूर्ण पक्षी है, जो आयुर्वेद में शताब्दियों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार हॉर्नबिल की पंखों का उपयोग श्वसन और जीवाश्म विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। हॉर्नबिल के विशिष्ट कॉल का उपयोग भी ध्वनि चिकित्सा में किया जाता है, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग दो, मोर। मोर दुनिया के सबसे दृश्यमान पक्षी में से एक है और यह अनेक शताब्दियों से आयुर्वेदिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आयुर्वेद में मोर तीसरी आंख या अज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है और इसे बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। तीन, मोर की पंखों को भी इलाज करने के गुणों से संबंधित माना जाता है, जो कि समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। भाग तीन, उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी बुद्धिमता और अनुभव के लिए आयुर्वेद में पूज्य है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार उल्लू वायु तत्व से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि यह मानसिक तेजी और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद ने उल्लू से भी स्थिरता और आत्मविश्लेषण का महत्व सीखा है, जो संतुलन और समझ को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाग चार, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड अपनी अद्भुत कुशलता और गति के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में यह हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है और आनंद, खिलौनापन और प्यार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए माना जाता है। आयुर्वेद हमिंग बर्ड से गतिविधि और व्यायाम के महत्व को समझता है, जो अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। भाग पाँच, सारस। सारस एक कृपालु और आलिशान पक्षी है जो आयुर्वेद में जल तत्व से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद के टेक्स्टों के अनुसार सारस का विश्वास है कि इससे भावनात्मक संतुलन और लचीलापन बढ़ता है। आयुर्वेद ने सारस से समुदाय और सामाजिक जुड़ाव के महत्व को समझा है, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार होता है। निष्कर्ष तो यह रहा, कुछ ऐसे रोचक पक्षियां जिनसे आयुर्वेद ने मूल्यवान सबक सीखे हैं, जिन्हें सत्यापित संदर्भों के साथ समर्थन दिया गया है। प्राकृतिक दुनिया की अवलोकन और सीख से आयुर्वेद ने स्वास्थ्य और आरोग्य के सिद्धांतों की गहरी समझ प्राप्त की है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और पक्षियों के मूल्यवान सबकों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की होगी। अगली कड़ी में हम जानेंगे पक्षी अनुकूलन और सहनशीलता मानव स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए सीखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।